हमारे पायलट साहब बड़ी मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं। ये भाई की चाय, ये हमारी चाय। बर्थ में है और बहुत सारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, तो उनका किल्लाट मतलब कि चिल्लाना वगैरह भी शुरू होगा। और मेन चीज़ है कि लोगों के खर्राटे, और खर्राटे निकल रहे हैं लोगों के घर घर, तो वो मैं आपको ना 2-3 बजे के हिसाब से, 2-3 बजे जब लोगों के ज़्यादा खर्राटे निकलते हैं, कपल्स भी आ सकते हैं, कपल्स भी अलाउड है। और बहुत सारे भी होटल में ऐसा देखा मैंने कि मतलब कपल्स अलाउड नहीं थे और बैचलर अलाउड नहीं थे, तो हमने बहुत सारे होटल में ऐसा देखा, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत रिसर्च के बाद ये होटल हमने सर्च किया, ठीक है। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। वेलकम टू पुष्कर, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने होटल में। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने जो अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से और रामनगर की, तो आज दोबारा एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है अराउंड 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल बाद की जो जर्नी होने वाली है वो है अजमेर की, और अजमेर की जर्नी ना बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ बहुत एक अमेजिंग बंदे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पता देखने वाले क्या मिलने वाला है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा मेरे साथ है, बहुत अच्छी ट्रिप उन्होंने प्लान की हुई है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आने वाली है, ठीक है। तो हम जाने वाले हैं पुष्कर, और पुष्कर जाने वाले हैं हम बाय ट्रेन से। तो आपको पता ही है कि मैं थोड़ा बहुत मतलब बजट ट्रैवलिंग करता हूँ, और बजट ट्रैवलिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी मैं जॉब करता हूँ, तो इसलिए बजट ट्रैवलिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो हम जाने वाले हैं दिल्ली स्टेशन से और अजमेर, अजमेर से हम जाएंगे पुष्कर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जाके हम क्या करने वाले हैं। वहाँ पे जाके ऑब्वियसली हम घूमने वाले हैं और बहुत मस्ती करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा आपको देखने वाले मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कौन जाने वाला है, ठीक है। तो मेरे साथ जाने वाले हैं मिस्टर अरुण बंसल, जो कि खुद एक ट्रैवल प्लानर है, और इस बार हमारे साथ वो जा रहे हैं एक ट्रैवलर बन के, ठीक है। और ट्रैवलर की जर्नी आपको पता है कि कितनी अमेजिंग होती है, तो जैसे ये हमेशा ट्रैवल प्लानर के हिसाब से जाते हैं ना, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत उस हिसाब से मजे नहीं कर पाते। तो इस बार उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ट्रैवलर बन के जाएं और पूरे मजे ले। आई होप हम पूरे मजे करने वाले हैं आपके। बिल्कुल आ चुके हैं गेट से अंदर, और गेट से अंदर आने में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चेकिंग थोड़ा बहुत ही हो रही है। और जैसे मैं पिछली जो वैष्णो देवी वाली ट्रिप में गया था ना, तो हमारा जो टिकट दिखाना जरूरी हुआ था ना, और यहाँ पे कोई भी टिकट हमारा देखा नहीं है, तो हम इजीली आ गए थे, ठीक है। तो ये हमारी योगा एक्सप्रेस, इसमें हम जाने वाले हैं, और सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि कैसे हमारी जो सीट्स हैं वो कैसी हैं इस योगा एक्सप्रेस की। ये आपकी सीट ऊपर वाली 59 और 62 हमारी सीट है। अच्छा, तो अभी हमें हो चुके हैं अराउंड 1.5 घंटा, और अब हम पहुंच गए हैं रेवाड़ी से, हमारी ट्रेन जो है चल चुकी है। अब थोड़ा बहुत हमने सोचा है कि अब रेस्ट भी किया जाए, क्योंकि कल हमें सुबह ना रेस्ट करने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम अजमेर जाएंगे, अजमेर से बस पकड़ेंगे, तो और बस पकड़ने के बाद हम पुष्कर पहुंचेंगे, और उसके बाद सोना तो मुश्किल है। थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं 1.5 घंटा, और बाकी जो हमारी बर्थ में है वो बहुत सारे बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, तो उनका किल्लाट मतलब कि चिल्लाना वगैरह भी शुरू होगा। और मेन चीज़ है कि लोगों के खर्राटे, और खर्राटे निकल रहे हैं लोगों के घर घर, तो वो मैं आपको ना 2-3 बजे के हिसाब से, 2-3 बजे जब लोगों के ज़्यादा खर्राटे निकलते हैं, उस समय मैं आपको खर्राटे भी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं तो जागने वाला ही हूँ पूरी रात, ठीक है। तो भाई के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, वो आपको अभी भाई के चैनल पर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, अभी मैं हूँ अजमेर के बस स्टेशन पे, और आप बोल रहे होंगे तू तो भाई ट्रेन में आया था, तो सीधा बस स्टेशन में कैसे पहुँच गया। तो मैं बस स्टेशन में इसलिए आया कि मैंने मतलब हमने सीधा वहाँ से और सीधा बस में ही आ गए, और जल्दी जल्दी आ गए, तो हमने क्योंकि ट्रेन का ऐसा हुआ कि मैंने मतलब दिल्ली में ट्रेन का वीडियो बनाया था, और उन्होंने पकड़ मतलब बोला था कि वीडियो नहीं बनाना है, तो यहाँ पे मैंने रिस्क नहीं लिया। और यहाँ पे मैं अजमेर जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको दिखाऊंगा, बट वो जाते समय, क्योंकि अभी हमें जो मेन हमारा टास्क है वो है पुष्कर का, ठीक है। तो अभी हम हैं यहाँ पे अजमेर की बस स्टैंड पर, और यहाँ से हमने लेनी है अपनी बस,
क्योंकि हमारी बस रेडी है, इसमें सवारी वारी तो है नहीं, बट इसका कुछ टाइमिंग होती है तो टाइमिंग के हिसाब से चलती है। तो अजमेर रेलवे स्टेशन से और बस स्टेशन आने को आपको टेम्पो मिल जाएंगे वहाँ पे, और कभी कभी डायरेक्ट बस भी मिल जाती है वहाँ पे, बट बस मतलब वहाँ से बहुत कम मिलती है, तो आपको बस स्टेशन ही आना पड़ेगा और यहाँ से आप जा सकते हो आगे, ठीक है। तो वहाँ रेलवे स्टेशन से और बस स्टेशन आने में लगे हमें 10 रुपये, और यहाँ से जाने का टिकट मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। हमारी बस आई थिंक ड्राइवर साहब बैठ गए हैं, तो वो भी रेडी होने वाली है। तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अजमेर से और पुष्कर की ओर जैसलमेर जाना, लेकिन हम जैसलमेर नहीं जाएंगे, पायलट है गौतम राम बिश्नोई, ऐसे बोलो। अच्छा, तो हमारे पायलट साहब हैं गौतम राम बिश्नोई जी। चलिए स्टार्ट करते हैं पुष्कर की जर्नी। ये है अन्ना सागर झील, बहुत बड़ी झील है, और उसी के पीछे पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ लग रही हैं, और बहुत क्लीन सा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसलमेर वाया मारता, मारता होते नागौर, नागौर से फलोदी, फलोदी से रामदेवरा, रामदेवरा होते हुए जैसलमेर ये बस जा रही है। ये रहे हमारे पायलट साहब, बड़ी मस्ती में गाड़ी चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोवर्धन राम। गोवर्धन राम, ये है गोवर्धन राम जी बिश्नोई गांव। आपने बोल दिया, चलो ठीक है। अभी पहुंच चुके हैं हम पुष्कर, और हमारी जर्नी थी वो अराउंड 15-20 मिनट लगे होंगे, और जो किराया था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था, 15 रुपये, ठीक है। मैं सोच रहा था पता नहीं 150-200 रुपये कितना होगा, बट किराया 15 रुपये में, और बहुत ही आसानी से हम आ गए। तो जो व्यू था ना, व्यू जो था यहाँ का बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था, बहुत पसंद करने वाले हो इसको, मतलब अजमेर से और पुष्कर की जर्नी को। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हम उधर नहीं गए, लेक के पास नहीं गए, क्योंकि हमारा जो होटल है ना वो इधर ही लोकल में है, तो हमने इधर ही ले रखा होटल, और फिर हम जाएंगे थोड़ा सा अभी होटल में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम आपको पुष्कर दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आगे की ओर। तो हमें अभी थोड़ा देर पैदल चलना है, तो पता नहीं कहाँ तक है हमारा होटल, तो फिर वहाँ तक हम पैदल चलने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ ट्रिप में आए हो और अगर आपने मेरे साथ चाय नहीं पीना, तो फिर ये ट्रिप अधूरी रहती है, ठीक है। मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, और अभी मैं हूँ यहाँ पे गुरुद्वारे के सामने, और जो राजस्थान की जो सबसे फेमस चीज़ होती है ना, मतलब दूसरी फेमस चीज़ वो होती है चाय। चाय यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ का जो स्टार्टिंग है ना, वो चाय से करने वाली है। हमने एक चाय पी थी अजमेर में, अजमेर में उसने चाय बहुत मीठी बना दी थी, तो भाई ने तो पी नहीं, मैंने पी थोड़ी बहुत, बट अच्छी नहीं लगी, बहुत मीठा था उसमें। और यहाँ पे हम आपको चाय का एक्सपीरियंस बताने वाले, चाय कैसी रहती है, तो चाय बहुत अमेजिंग रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाय का जायका लेते हैं।
डालना। तो इसमें डालने से क्या आता है, स्वाद आ जाता है, कुल्लर का स्वाद आता है। हाँ हाँ हाँ, तंदूरी चाय। ये भाई की चाय, ये हमारी चाय। हमने जो होटल की डेस्टिनेशन है ना, वो ऐसी चूज़ की है, देखो कि वो सामने हमारे ये पहाड़ हैं और मतलब जंगल वाला, क्योंकि जो ये वाला नज़ारा है ना, सुबह हमें यहाँ पे शायद हमें सनराइज़ देखने को भी मिल सकता है ना, अगर जल्दी उठेंगे तो, और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि सामने वहाँ पर ना पहाड़ी है और पहाड़ी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमने जो हमारी लोकेशन है, देख सकते हो आप, इस साइड है, तो रोड से थोड़ी सी अंदर है और हमें मतलब अच्छी जो हमारा बजट था उसमें मिल गई थी। तो अभी प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे कि कैसा है, तो चलो फिर आगे आगे चलते हैं। तो ये है अरुण भाई हमारे, बहुत ही अच्छा प्रयास है इनका जारी और बहुत अच्छा आने वाला है इनके चैनल पे आपको ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यार। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो आपको शायद नेक्स्ट मंथ और इस मंथ के बाद ही आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह जो है कि इनके चैनल पर मिलने वाली है। तो इनका चैनल का जो लिंक है ना, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत कुछ सीखने वाला हूँ, तो इतना तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इनकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। और अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं भी जाने का, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और जो इनके साथ एक्सपीरियंस होने वाला है ना, बहुत अमेजिंग होने वाला है, वो आपको आगे की सीरीज में पता चलने वाला है, ठीक है, तो बने रहिए। वेलकम टू पुष्कर, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और होटल की जो लोकेशन है ना यार, बहुत अमेजिंग है, सही में मैं मजाक नहीं कर रहा था, मतलब लोकेशन बहुत अमेजिंग है। और ये रहा हमारा होटल, होटल का मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले ना देखना है इधर का लोकेशन, इनकी सर्विसेज और सब कुछ, ठीक है। एक्चुअली सर्विसेज तो जितनी भी होंगी अच्छी होंगी आई होप, क्योंकि हमने एक बजट ट्रैवलर हैं और बजट में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो भी हमें अभी गेस्ट में जो आदमी थे ना, मतलब जो रिसेप्शन में आदमी थे, लड़के थे, भाई थे, उन्होंने बहुत अच्छी सी उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा है और अंदर भी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले ना दिखाता हूँ कि अंदर कैसा है। ये हमने किया यहाँ से एंटर, बहुत अमेजिंग एंट्री है, और ये है यहाँ का रिसेप्शन, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे प्यारी जो मुझे लगी है यहाँ की लोकेशन लगी है, ठीक है, मैं लोकेशन थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। हमारा 104 नंबर रूम, ठीक है, और रूम बहुत अमेजिंग है सही में, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट था ना वो बहुत अमेजिंग कॉस्ट था, कॉस्ट भी हमने बिल्कुल फ्रेंडली था। और चलो देखो इधर से क्या दिख रहा है हमें, इधर से भी अच्छा व्यू दिख रहा है। और ये हमारा रूम, तो ये हमारे लिए टू रूम का है, तो यहाँ पे कपल्स भी आ सकते हैं, कपल्स भी अलाउड है। और बहुत सारे होटल में ऐसा देखा मैंने कि मतलब कपल्स अलाउड नहीं थे और बैचलर अलाउड नहीं थे, तो हमने बहुत सारे होटल में ऐसा देखा, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत रिसर्च के बाद ये होटल हमने सर्च किया, ठीक है। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, तो ये हमारा रूम, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, हमारी ये टीवी भी है यहाँ पे, और ये हमारा बेड है, तो बेड भी ठीक ही है। सबसे पहले हम थोड़ा सा वॉशरूम की ओर चलते हैं कि वॉशरूम हमें भाई लोगों ने कैसा दिया हुआ है। तो जी ये है वॉशरूम, वॉशरूम की बहुत स्पेस है, जैसे गुड़गांव में होते ना रूम, तो वैसा स्पेस है, वॉशरूम भी अच्छा है, गीजर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लोकेशन दिखाते हैं। आज बात बताइए इस ट्रिप में क्या है कि इस ट्रिप में ना मेरा जो चेहरा है बिल्कुल फ्रेश है अभी, तो अभी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बिल्कुल रात भर सोया नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सच में बताऊँ तो मुझे ना वो नींद नहीं आती रात को ना ट्रेन में। और वो बच्ची का जो हम बोल रहे थे ना, बच्ची बिल्कुल शांत थी, बच्ची ने बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं किया है। और अभी सबसे पहले चलो ना ऊपर चला लोकेशन दिखाते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक ही लग रहा हूँ थोड़ा बहुत आई थिंक, ठीक है। तो चलो ऊपर चलते हैं, चलो अरुण भाई छत में चलते हैं। तो अभी सनराइज़ हुआ है यहाँ से बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। ये अजय भाई देखो मस्ती करते हुए, अजय भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो जो अरुण भाई ने लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, बहुत अमेजिंग है। तो आई होप कि आपको ना आगे वीडियोस बहुत अच्छे मिलने वाले, क्योंकि अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है यहाँ पे ना, तो आगे आगे तो आपको बहुत अच्छा दिखने वाला है। देखो सबसे पीछे तो ये, सबसे अच्छा तो ये हमें व्यू दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स से यहाँ पे लगे हुए हैं,
और आगे आगे बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिए। और यहाँ की जो वीडियोस है ना, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ आने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार। 6 साल का एक्सपीरियंस है बंदे के बाद, तो आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। वाओ, अमेजिंग एयर व्यू तो ना देखो, ये है व्यू चारों तरफ का, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। ये सनराइज हो चुका है और ये हमारी लोकेशन, चलो उस साइड चलते हैं, उस साइड देखते हैं क्या है। लोकेशन जो है कि बहुत अच्छी है ना, देखो चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। वाह, तो ये जी हमारी लोकेशन बहुत अच्छी चूज़ की है। यहाँ पे हम रात को बैठ के अपना गाना शाना कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, देखो ये पूरा गार्डन है उतनी दूर तक, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब सुबह सुबह हम उठेंगे ना यहाँ पे, तो सुबह का जो नज़ारा है ना वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो चलो जी, इस ट्रिप को हम करते हैं यहीं पे समराइज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता ही है ना कि मैं आया था ट्रेन से दिल्ली से और अजमेर से मैं आया था बस में। और बस में आने तक का थोड़ा सा सफ़र है कि वो हमें लेना पड़ेगा वहाँ पर टेम्पो। तो टेम्पो कोई आपको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बहुत सारे बोलते रहेंगे कि यहाँ आओ, बट कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शेयरिंग टेम्पो मिल जाएंगे वहाँ पर। तो शेयरिंग टेम्पो का 10 से 15 रुपये किराया है, तो बहुत नॉर्मली आप 3 से 4 किलोमीटर की जर्नी करके आराम से और बस स्टेशन पहुंच सकते हो। और बस स्टेशन से आपको पुष्कर आने के लिए मात्र 15 रुपये देने पड़ेंगे। और 15 रुपये ना, मैं सोच रहा था पता नहीं कितने रुपए होगा, बट 15 रुपये में आप आराम से पुष्कर पहुंच सकते हो। और जर्नी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत अच्छे लोग भी मिलने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर साहब थे बहुत अमेजिंग थे। मैं सोच रहा था कि शायद लंबी जर्नी होगी, बट बहुत जल्दी पहुंच गए हम, तो मतलब 20-25 मिनट में आराम से हम पहुँच गए थे, और बहुत ही आराम से। और जो रोड थी ना, रोड बहुत स्पेशल थी, मतलब क्लीन था, जो भी मुझे वहाँ से दिखा ना, पूरा क्लीन रोड था। और बहुत अच्छा महसूस होने वाला आप अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो, ठीक है। तो जो बजट यहाँ तक अभी तक का मेरा लगा है वो अराउंड 500 से भी कम लगा है, ठीक है। तो आप जान सकते हो कि 500 मेरा अब होगा और 500 रुपये वही जाने में, ठीक है। तो 1000 रुपये में, 1000 से 1200 रुपये में सिर्फ ट्रैवल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो भी मैं अच्छी मतलब खासी में आया था ट्रैवल करके, तो 1000 रुपये अभी तक हुआ है। और बाकी आगे बताता हूँ, रूम का भी बताऊँगा, बट रूम का लास्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप बने हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ की वीडियो अमेजिंग, जैसे कि मैंने बहुत बार बोल दिया है, बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं यहाँ की। और लोकेशन तो आपको पता चली गई कि कितनी अच्छी लोकेशन है, और जो जो जगह है ना, तो वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली कि कौन कौन सी जगह जाने वाले, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। और नीचे एक लिंक और दिया है, वो है अरुण भाई का, और अरुण भाई के चैनल पर बहुत अमेजिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना उनके पास है उतना शायद मेरे पास भी नहीं है। और मेरे पास शायद क्या, मेरे पास तो बिल्कुल 1 साल से ही मैं बना रहा हूँ, और भाई साहब 6 साल से हैं एक्सपीरियंस। तो प्लीज़ उनके वीडियो को, तो मेरी वीडियो को चाहे मत देखना, पर उनकी वीडियोस को ज़रूर देखना। तो फिर मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।